अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट या पीएफ अकाउंट या फिर सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खुलवाया है तो इससे जुड़े नियमों में बदलाव हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल योर एजुकेशन गाइड में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपके खाते में कम से कम 500 रुपये नहीं रहेंगे तो वित्त वर्ष के अंतिम दिवस यानी कि 31 मार्च 2020 को पोस्ट ऑफिस 100 रुपये पेनल्टी के रूप में वसूल लेगा। अगर इन खातों में जीरो बैलेंस होता है तो खाते को बंद कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन सभी जानकारियों के बारे में। छोटी बचत के लिए अक्सर पड़ोस वाले पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाया जाता है, लेकिन इस बदलते दौर में पोस्ट ऑफिस अपनी सुविधा को लगातार बेहतर कर रहा है। इसी कड़ी में पोस्ट ऑफिस खाते से जुड़ी कई नियमों को बदल दिया गया है। अब बैंकों की तरह पोस्ट ऑफिस खाते में भी न्यूनतम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। 1 अप्रैल तक ऐसा नहीं करने पर 100 रुपये आपके खाते से काट लिए जाएंगे। मतलब साफ है कि छोटी छोटी बचत से लंबे समय में गारंटेड फायदे के साथ रकम लौटाने वाले पोस्ट ऑफिस बचत खातों में भी अब बैंकों की तरह ही न्यूनतम पैसा रखना जरूरी होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस ने पोस्ट ऑफिस खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। अगर आपके खाते में कम से कम 500 रुपये नहीं रहेंगे तो वित्त वर्ष के अंतिम कार्य दिवस यानी कि 31 मार्च 2020 को पोस्ट ऑफिस 100 रुपये पेनल्टी के रूप में आपसे वसूल लेगा। ऐसा हर साल किया जाएगा। अगर इन खातों में जीरो बैलेंस होता है तो इस अकाउंट को अपने आप बंद कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों किया गया तो पोस्ट ऑफिस डायरेक्ट सभी पोस्ट ऑफिसेस में कहा कि अकाउंट होल्डर से मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए संपर्क करें। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ना होने की वजह से पोस्ट ऑफिस को सालाना 2800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। दूसरी बात करें पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि खाते की तो उससे जुड़ा नियम भी बदल दिया गया है। पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने बेटियों के लिए खोले जाने वाले खाते सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत खाता और मासिक जमा योजना यानी कि MIS खाता खुलवाने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है। सुकन्या समृद्धि खाता 250, पीपीएफ 500, MIS या वरिष्ठ नागरिक बचत खाता 1000 रुपये से खुलेंगे। नए नियमों के मुताबिक किसी खाताधारक के खाते में 499 रुपये होने पर उसके खाते से 100 रुपये रख रखाव के नाम पर शुल्क काट लिया जाएगा। ये अंतिम 100 रुपये होने तक कटेंगे और उसके बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलने के फायदों के बारे में बात करें तो खाता खोलने के लिए न्यूनतम धनराशि 20 रुपये है। व्यक्तिगत या फिर संयुक्त खाते पर 4% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। खाता केवल कैश के जरिए खोला जा सकता है। गैर चेक सुविधा वाले खाते में आवश्यक न्यूनतम शेष धनराशि 50 रुपये है। 500 रुपये के साथ खाता खोलने पर चेक सुविधा उपलब्ध है और इसलिए ऐसे खाते में न्यूनतम शेष धनराशि 500 रुपये होना जरूरी है। किसी मौजूदा खाते में भी चेक सुविधा ली जा सकती है। एक डाकघर से एक खाता खोला जा सकता है। किसी नाबालिग व्यक्ति के नाम से भी खाता खोला जा सकता है और 10 साल और उससे अधिक आयु के नाबालिग व्यक्ति खाता खोल सकते हैं और संचालित भी कर सकते हैं। संयुक्त खाता 2 या 3 वयस्कों द्वारा खोला जाता है। खाते को सक्रिय रखने के लिए 3 वित्तीय वर्षों में जमा या निकासी का कम से कम 1 लेन देन आवश्यक है। अगर हम पोस्ट ऑफिस की मौजूदा छोटी छोटी बचत योजनाओं की बात करें तो उनकी ब्याज दर है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 7.9%, सुकन्या समृद्धि योजना में 8.4%, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 8.6%, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 7.9% और किसान विकास पत्र में 7.6%। इसके अलावा नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट में 7.6%, नेशनल सेविंग रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में 7.2% का ब्याज दिया जाता है। अब आप घर बैठे भी मोबाइल ऐप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवा देश भर में शुरू हो चुकी है। इसके लॉन्च होने के बाद अब आप उन्हीं वित्तीय उत्पादों में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं जिनकी पेशकश पोस्ट ऑफिस करता है। इसमें सेविंग बैंक अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल है। IBPPB की मदद से आप पोस्ट ऑफिस के सभी निवेश ऑप्शन को एक जगह देख सकते हैं।
ये आपको अपने निवेश को अधिक कारगर तरीके से मैनेज करने की सुविधा देता है। IBPPB ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने RD, SSY या PPF अकाउंट के ऑनलाइन पैसा जमा कर सकते हैं। जो लोग अपने पोस्ट ऑफिस से जुड़े अकाउंट को ऑनलाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें IBPPB मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और एप्पल दोनों मोबाइल पर डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद IBPPB में एक डिजिटल अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर और पैन देने के बाद आधार वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाने पर 4 अंकों का MPIN क्रिएट करना होगा। PPF, SSY, RD अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको पहले IBPPB अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आपको बैंक अकाउंट नंबर और IFSC का ब्यौरा देना होगा। इसके बाद एक बार IBPPB अकाउंट में पैसा आ जाने के बाद आप SSY, PPF या RD खाते में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोडक्ट टैब पर जाना होगा। इसमें आपको कस्टमर ID के साथ सही अकाउंट नंबर दर्ज कराना होगा। इस सुविधा का फ़ायदा उठाने के लिए आपका DOP में एक्टिव अकाउंट होना चाहिए। निवेश या फिर कंट्रीब्यूशन की रकम आपको दर्ज करनी पड़ती है। एक बार इसके दर्ज हो जाने पर आपको इसके कंफर्म होने का नोटिफिकेशन मिलता है। इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब आप KYC करवाया हुआ है, साथ ही आपके पास इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सर्विस इनेबल्ड होनी चाहिए। अगर ये सुविधाएं इनेबल नहीं हैं तो एक फॉर्म भरने की ज़रूरत पड़ती है। इसे भरकर नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा और ये सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।